आज जो फोकस है फ्रेंड्स, इस एरिया को क्लीन करने का है। तो अभी आप देखो ये कितना ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है, देख रहे हो आप। इन सब की मैं प्रूनिंग करने वाली हूँ, धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँगी और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट हाँ ये काम इम्पॉर्टेंट है तो करना ज़रूरी है। फूलों से ये भरा ही रहता है। फिर दोबारा से इसमें देखो फूल लगने शुरू हो गए, देखो। तो अभी मैं इसको रहने देती हूँ, इसको प्रून नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है फिर से। ये कॉर्नर को पूरा क्लीन कर दिया, आप देखो
अब पौधे क्या है ना, नीटली दिखाई भी देते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में, मैनेज लगते हैं। अभी मुझे इन पॉट्स को ढंग से रखना है। ये सारा है जो मैंने इस कॉर्नर से निकाला कल। काफ़ी तरह के इसमें प्लांट्स की कटिंग है। ये आप एरो हेड देख सकते हो, टर्टल वाइन देख सकते हो, पर्पल हार्ट देख सकते हो, जेड की इसमें बहुत सारी कटिंग्स हैं, और उसके अलावा भी और प्लांट्स हैं इसमें, जैसे कि क्रिसेंथम्स वगैरह। क्रिसेंथम्स के मैं सोच रही हूँ इस बार न्यू प्लांट्स लेके आऊँगी, हालांकि मेरे पास ये लास्ट ईयर के बच्चे हैं, इनको मैंने प्रून कर दिया क्योंकि वो बहुत गंदे दिख रहे थे। अभी देखेंगे, मैं नर्सरी जाऊँगी तो नए पौधे लेके आऊँगी क्रिसेंथम के, क्योंकि यही सीज़न है। नर्सरी से आप इनकी सैपलिंग्स ला सकते हो। ये कॉर्नर मैंने प्लांट्स की जो प्रूनिंग तो कर दी है, लेकिन अभी इसको क्लीन करना रहता है। उससे पहले मैं एक बार सारी प्रूनिंग वगैरह जो है वो कर दूंगी। यहाँ पे देखो कितने अच्छे ब्लीडिंग हार्ट के फ्लावर्स आ रहे हैं। इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखो, ये वाइट कलर का है हिबिस्कस। तो अभी इस कॉर्नर में मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। ये जो कॉर्नर है, आपको यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे भी टर्टल वाइन जो है वो हद से ज़्यादा फैल गई है पूरे प्लांट में। यहाँ पे इस पे टर्टल वाइन थी, मैंने अभी जस्ट क्लीन की है। इसमें बहुत सारी घास थी, वो मैंने क्लीन की है। ये जेड देख रहे हैं आप, इसको भी थोड़ा प्रून कर दूँगी मैं। उसके साथ साथ ये हिबिस्कस है, हालाँकि इसमें कलियाँ आ रही हैं, बट फिर भी ये काफ़ी लंबा हो गया तो मैं इसे प्रून कर दूँगी। साथ में यहाँ पर आप ये कॉर्नर देखिए, ये पूरा टर्टल वाइन ने घेर लिया है, तो मैं ये सारा क्लीन करने वाली हूँ। कुछ मैंने एक दिन पहले यहाँ पे क्लीन किया भी था, बट आज मैं इसे पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये कड़ी पत्ते का प्लांट है जिसको हमने एक पुरानी बकेट में लगाया हुआ था। ये बकेट अब टूट गई है। ये देखो, प्लास्टिक होता नहीं, ज़्यादा देर चल नहीं पाता। इसे हटा के और इसे नए गमले में डालना है। और एक सरप्राइज़ इसमें यह है कि यहाँ पर एक छोटा सा देखो कड़ी पत्ते का प्लांट एक और आ गया। ये देख रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है ये। इसे मैं एक नए कंटेनर में डालने की कोशिश करूँगी। ये बकेट तो पूरी टूट चुकी है। और यहाँ पे काफ़ी सारे सीड्स लगे थे इसमें, और मैंने कुछ ऐसे ही डाल दिए थे यहाँ पर कि चलो अगर लगेंगे प्लांट्स तो इसी में लग जाएंगे। एक ही निकल भी आया, और काफ़ी सारे सीड्स इसमें इस बार लगे थे, तो अभी नया प्लांट एक बन गया और मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है, छुटकू सा प्लांट। अभी शाम के टाइम खिले हुए ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर ये फ्लावर्स जो हैं वो शाम को ही खिलते हैं। अभी आप देखो, तीन ये वाइट वाले खिले हुए ऑलरेडी, और कितनी सारी कलियाँ इसमें भी खिलने वाली हैं। होपफुली कल ये सारे फूल खिल जाएंगे। और इसकी एक ब्रांच पे पिंक कलर के फ्लावर्स खिलते हैं फ्रेंड्स। ये देखो, एक या दो ब्रांच पे पिंक कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। चींटियाँ भी हैं।